गुड मॉर्निंग ऑल। आज मैंने घर का सब काम निपटा लिया है और मैं ईश्वर से दुआ मांग रही हूँ कि इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना, ना दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से, इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सभी। आज तो मैं जल्दी सब कुछ काम निपटा के रेडी हो गई हूँ और आधा बहुत खाना भी बना लिया है। आपको मैं दिखाऊंगी मैंने क्या आज खाने में बनाया है। आप घड़ी में देख सकते हैं कि अभी सुबह के 10:30 बजे है। मैं आप सभी को किचन में जाके बता रही हूँ कि मैंने खाने में क्या बनाया है। मैंने आज भिंडी आलू की सब्जी बनाई है, जो मयन और उसके पापा की फेवरेट सब्जी है, और साथ में मैंने घी भी बना लिया है। देख सकते हो आप, घी बन रहा है अभी। और मैंने आटा भी, रोटी का आटा भी गूंद के रख दिया है, रोटी में बाद में बनाऊंगी। आज मैंने एक सुविचार पढ़ा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जो भी बनना है वो अपने बल पर बनो, जो भी बनना है वो अपने बल पर बनो, क्योंकि दूसरों के बल पर तुम शेर तो बन जाओगे, क्योंकि दूसरों के दम पर तुम शेर तो बन जाओगे, लेकिन जंगल वाले नहीं, सर्कस वाले। हमें ये सुविचार से ये सीख मिलती है कि हमें कुछ भी बढ़ना हो, कुछ बनना हो, तो अपने दम पर बनना चाहिए, दूसरों के दम पर नहीं। आज फिर से हमने घूमने जाने का प्लान बनाया है, तो आप सब देखते चलिए हम कहाँ जा रहे हैं, सरप्राइज। हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, अभी दोपहर के 2:15 हुए हैं और हितेश गाड़ी चला रहे हैं, देखो। राजा की धमाकेदार एंट्री हो गई है, देखो, आप सभी देख सकते हैं। हम लोगों ने मूवी देखने का प्लान बनाया है आज छुट्टी है तो, और मयन भी नहीं है, मयन अपने दादू के साथ पोरबंदर गया है और बारिश भी बहुत है। उपलेटा में तो कोई थिएटर है नहीं, तो हम लोग जेतपुर मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। बारिश बहुत ज़्यादा है तो थिएटर ओपन होगा या नहीं देखेंगे। हम लोग इधर मूवी देखने पहुंच गए हैं और हितेश टिकट ले रहे हैं। हम लोग गुजराती मूवी देखेंगे, नाड़ी दोस। जेतपुर में बहुत ज़्यादा बारिश है, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। सारे इत्रों की खुशबू आज मंद पड़ गई, मिट्टी में बारिश की बूंदी वो चंद पड़ गई, पूरे रास्ते में पानी बहने लगा, इतनी ज़्यादा बारिश है आज। मैंने यही सोचा था कि आज थिएटर बंद होगा, पर मैं गलत थी। अभी तो हम दोनों वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी थिएटर ओपन होने में 15 मिनट बाकी है। अब मैं अंदर जा रही हूँ और मूवी स्टार्ट हो जाएगी बाद में। मूवी देख लिया हमने, बहुत अच्छा मूवी था गुजराती, नाड़ी दोस। अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं उपलेटा और अभी 6:30 बजे है और बारिश भी थोड़ी थोड़ी शुरू है। मयन नहीं है तो हम लोगों ने मूवी देखने का मूड बना लिया, वो पोरबंदर गया है दादू के साथ। जो वो होता
हम लोग मूवी देख ही नहीं पाते, आपको तो पता है वो बहुत मस्ती करे। आज का बारिश वाला मौसम मस्त है और आज का पूरा दिन हमारा मस्त गया। जाते समय हितेश ने गाड़ी चलाई थी, अब मेरी बारी है तो मैं गाड़ी चला रही हूँ। हितेश ने कहा अब तुम चला लो, तो मैंने कहा चलो मैं चला लेती हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अब मैं गाड़ी चला रही हूँ। अब हम उपलेटा में पिजोलिक में पिज़्ज़ा खाने आए हैं। ये पूरा पिजोलिक का नज़ारा है, आप सभी देख सकते हो। ये सभी सैलेड है और ये सभी स्टार्टर में रहते हैं। कितने सारे सैलेड है और ये सूप भी उसमें शामिल है। बाद में गार्लिक ब्रेड और पिज़्ज़ा की बहुत सारी आइटम्स हमने खाई, बहुत एंजॉय किया हमने, मस्त पिज़्ज़ा थे। हमने ब्राउनी भी खाई, मुझे और हितेश को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। हम लोग घर पहुंच गए हैं और आज का मेरा व्लॉग इतना ही है। आपको मेरा व्लॉग आज का कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताएगा। और हाँ, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए। बाय, जय श्री कृष्णा।